ठंड में ठिठुरते लोगों को समाज से भी पहुंचा रहे हैं कंबल की राहत। लगातार चल रहा अभियान। बक्सर नगर के पीपरपाती रोड स्थित कपड़ा दुकान इंद्रधनुष के संचालक रविराज के द्वारा लगातार जन सेवा की जा रही है। ठंड में ठिठुरते लोगों के बीच वह लगातार कंबल वितरण कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 25 दिसंबर से शुरू किया गया था जो कि 14 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत अब तक 10,000 लोगों को कंबल बांटे जा चुके हैं। इस कार्यक्रम में वह अन्य समाज सेवियों का भी सहयोग ले रहे हैं जिनके माध्यम से वह उनके क्षेत्र के लोगों के बीच टोकन बंटवाते हैं और वही टोकन लेकर फिर ज़रूरतमंद उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचते हैं जहां कंबल वितरण किया जाता है। क्या कुछ कहा उन्होंने कंबल वितरण के बारे में, आइए सुनते हैं। वास्तव में 25 दिसंबर से शुरुआत हुई इसकी और चूंकि हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित मदन मोहन मालवीय जी जहाँ से हम लोग पढ़ के निकले काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, वहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो लगातार हम लोग कार्यक्रम करते हैं समाज के लिए, लेकिन ये विशेष रूप से ठंडे के मौसम में लगा कि कंबल वितरण करके जो भी असहाय है जरूरतमंद है उनको एक सेवा किया जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने से नहीं, जो भी समाज सेवी हम लोग के जिला में है और जो भी हमारे वार्ड कमिश्नर है, जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी लोगों को खासकर मीडिया के साथियों द्वारा भी हमने वितरण कराया ताकि ये महसूस हो कि एक चाय पिलाकर गरीब व्यक्ति को क्या आता है, अनुभूति क्या होती है, स्वयं भी आप महसूस कीजिए। इसलिए हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं और इस कार्यक्रम को 14 तारीख को खिचड़ी के दिन, जो कि पूरे भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, उस दिन इसका समापन हम लोग करेंगे। उस दिन चूड़ा दही और कंबल वितरण कार्यक्रम है। इस बीच हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लोग समाज से भी आ रहे हैं कूपन के माध्यम से उन लोगों को दे दिया जाता है, अपने अपने इलाके में वो लोग वितरित करते हैं चिन्हित करके। ये हम लोग के लिए आसान हो गया है, नहीं तो पिछले कोरोना काल में हम लोग राहत सामग्री बांटने में कुछ भूल हुई थी जिसके कारण से गैदरिंग को लोग दूसरे नगर से देखने लगे। हालांकि हम लोग की भावना थी कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को सेवा करें, लेकिन इस बार कूपन का माध्यम रखा गया कि कोई उस तरह का गैदरिंग ना हो, बदरेशन ना हो, और आप लोग का सहयोग रहेगा तो ये सफल कार्यक्रम हम लोग करेंगे आपके आशीर्वाद से। कितना वितरण हो चुका है अब तक? 10,000 से ऊपर कंबल हम लोग वितरित किए हैं और 25,000 से ऊपर का लक्ष्य है 14 जनवरी तक। तो समाज में सेवा करना है और करते रहेंगे। बहुत सारे लोग चुनाव के बाद दिखाई नहीं दे रहे हैं और आप फिर नजर आ रहे हैं। हम चुनाव से पहले भी समाज सेवा किए हैं और चुनाव के बाद भी, और चुनाव से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको समाज सेवा करना है कि हम समाज के लिए अपना जीवन अपना समर्पण कर चुके हैं। महिला शक्ति हम लोग हैं और महिलाओं, ठंड तो सबको लगता है, ऐसा थोड़ी है कि महिला को पुरुष को ही लगता है, महिलाओं को लगता है और सभी महिलाओं को ठंड में यहाँ से हमारे रविराज भैया समाज सेवी जो हैं उनके माध्यम से आज कंबल वितरण हुआ। अच्छा लगा, ऐसे समाज सेवी होना भी चाहिए। बहुत सारे गरीब आज ठंडे में ठिठुरन, बहुत ठंडा पड़ रहा है, ठिठुर रहे हैं, उसको थोड़ी सी हम लोग अपने तरफ से एक सहायता देते हैं तो अच्छा लगता है और गरीबों को ठंडा में थोड़ा सा राहत मिलता है। क्या लगता है सरकार को भी कुछ करना चाहिए ऐसा? या बिल्कुल उनको जगह जगह पर लकड़ी का अलाव जलाना चाहिए और मैं आपके माध्यम से सरकार से मतलब निवेदन करूंगी कि ठंडा इससे जाते तो आएगा नहीं, ठंडा अभी बहुत पारा गिरा हुआ है, उनको हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए और कंबल वितरण भी हो सके तो करना चाहिए सरकार को।